शिवसेना पंजाब का एक शिष्टमंडल चेयरमैन एवं हिमाचल प्रभारी सतीश महाजन के नेतृत्व में एसएसपी कांगड़ा संतोष पटियाल से मिला और उन्हें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान सतीश महाजन ने कहा कि पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के स्थान भद्रोहा, छन्नी बेली, डमटाल और मोहटली में नशे और देह व्यापार का अवैध कारोबार इन दिनों क्षेत्र में पड़ते होटलों में सरेआम चल रहा है। छन्नी और भद्रोहा में एक तरफ पुलिस का नाका लगा होता है तो दूसरी तरफ नशे के तस्कर नशा बेच रहे होते हैं। नौजवान पीढ़ी नशे की आदत से हर रोज मौत के मुंह में जा रही है। छन्नी और भद्रोहा में नशे के तस्कर अपने आप रात रात अमीर बनने के चक्कर में इस मौत रूपी चिट्टे को बेचकर कई परिवारों का सर्वनाश करके उनके घरों के जलते दीप बुझा चुके हैं। सतीश महाजन ने कहा, आज तक पुलिस नशे के बड़े व्यापारियों को नहीं पकड़ सकी है, बल्कि अधिकतर नशे का सेवन करने आए नौजवानों को ही पकड़ा जाता है। पुलिस द्वारा पकड़े गए नशे के तस्करों से पुलिस आज तक सख्ती से यह पूछ नहीं सकी कि यह चिट्टे की सप्लाई कहाँ से लेकर आते हैं। पुलिस इन नशे के तस्करों के बड़े आकाओं तक क्यों नहीं पहुंच पाती, बल्कि जनता के सामने खानापूर्ति के लिए छोटे छोटे केस दर्ज कर वाहवाही लूटती है। इस अवसर पर निशा कटोच और अनुज कटोच भी उनके साथ मौजूद थे। डीईजी संतोष पटियाल ने कहा, हम चुनावों की वजह से थोड़े व्यस्त थे। इन तस्करों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल द्वारा भद्रोहा और छन्नी में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और इन गाँवों में पुलिस को तैनात किया गया है। जल्दी इस पर काबू पा लिया जाएगा। हाँ जी, मेरी 65 साल की उम्र है जी, चंपा देवी। मेरा बच्चा एक लत च फसिया जी, मेरा बच्चा इतों निकले जी, यार खत्म करो जी। किहड़ा नशा करदा? ए जी नशा चिट्टा खांदा जी। अच्छा जी, कितों कितों पैसे अं दिहाड़ियाँ ला ला के पैसे साढ़े को लैंदा, सिर पड़क के मारदा मैं चिट्टा दो। अं जी ये पूरा नहीं कर सकते, अं चार पाँच दिन अपने घरों कर दिता जी। शादीशुदा हो? शादीशुदा आया जी, तीन बेटियां जी। तीन बेटियां जी। अं जी अं भी मर जाएंगे इतने, ये हमारी मांग पूरी नहीं होएगी, अं बच्चे भी मार देंगे। ठीक है, रेडी जी। लोग पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, महाजन जी का, स्पेशली जो पंजाब से यहाँ पे आए हैं और इन्होंने बड़ा रेलेवेंट इशू फ्लैग किया है। और सोसाइटी से मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये पहले भी बहुत बार ये चीज़ आप लोगों के माध्यम से भी हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है कि हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। पिछले साल भी 270 केसेज हमने NDPS के रजिस्टर किए हैं, इस साल भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन जो इसमें और ज़्यादा इसको सफल बनाने के लिए नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान है, ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। एक सप्लाई लाइन कट करनी होती है, एक डिमांड वाली लाइन कट करनी होती है। डिमांड की जो लाइन है, डिमांड का जो ऑप्शन है, उसको कट करने के लिए लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ ही ये लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पकड़ भी लेते हैं लोगों को, अल्टीमेटली ट्रायल उनका चलता है और उनको सजा तक दिलाने तक का जो काम है उसमें पब्लिक का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद ही हूँ कि इतने दूर से चलते मेरे पास आए हैं। और इनको आश्वासन देता हूँ कि हमने पिछले साल भी काफ़ी सख्ती से इसके खिलाफ काम किया था। इस समय थोड़ा समय हम लोग इलेक्शन वगैरह में बिजी थे, दो तीन एक महीने तो उसमें थोड़ा सा फोर्स की शॉर्टेज थी, लेकिन अभी हमने दोबारा वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दी है और पंजाब पुलिस से SSP पठानकोट से मेरी बात हुई है, उसमें हम दोबारा ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे और जो भी इस तरह का आदमी होगा उसके खिलाफ इमीडिएटली आज से ही हम ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करने वाले हैं। जो भी इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ किस तरह से भी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए करेंगे। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बेनामी लैंड वगैरह लेकर रखे, इन्होंने ली है या किसी के नाम पे आके यहाँ बसते हैं, या जिन्होंने गवर्नमेंट लैंड पर इनक्रोच करके इस तरह का धंधा किया हुआ है, या जो पाए इसमें पाए जाएंगे, इसमें ऑलरेडी पिछले साल भी हमने DC कांगड़ा से इसमें मैटर टेकअप किया था, इनको सिंगल आउट करके इनके खिलाफ कार्रवाई करो, जो भी लीगल एक्शन बनता होगा क्ले। और अब दोबारा हम इनको उसका रिमाइंडर में DC साहब को इसके लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा कि इसमें जो भी व्यक्ति हैं जो इस तरह से अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं या बेनामी तरीके से रह रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई उस एंगल से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। होटलों में भी देर व्यापार की बात हुई, इन्होंने इशू फ्लैग किया है, इसमें कार्रवाई करेंगे, विल कनेक्ट रेट्स एंड विल टेक एक्शन। मेरा नाम सतीश महाजन, मैं शिवसेना पंजाब से उत्तर भारत का चेयरमैन हूँ, हिमाचल प्रभारी हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा का लाइव मेंबर हूँ। तो आज आप ज्ञापन दिया है SP महोदय को, किस बारे में था? हम आज SP साहब धर्मशाला को मिले हैं, जो जहर रूपी चिट्टा बिक रहा है हिमाचल के बॉर्डर और पठानकोट के बॉर्डर पर, दोहा में, डमटाल में, छन्नी में और
ये कंदरौड़ी में अभी 3-4 दिन पहले 2-3 लड़कों की डेथ हो गई थी चिट्टे की वजह से। हम चाहते हैं कि ये चिट्टा जो नशा है इसको ख़त्म किया जाए। आज हम एसपी साहब को मिले हैं, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने पूरा रिस्पांस दिया है कि हम इलेक्शन की वजह से थोड़े से बिजी थे लेकिन अब हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी कुछ यूनिटें जा चुकी हैं और कुछ कल जाएंगे, शायद हो सकता हम भी साथ जाएं। हमें बहुत खुशी हुई। अगर ये चिट्टा रूपी जो जहर है ख़त्म हो जाएगा तो जो नौजवान हैं उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं तो पंजाब के नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल है। लड़कियाँ और लड़के खूब नशा कर रहे हैं। ये पठानकोट में 7 लगता भदरोहा है जहाँ पे एक कृष्णा आश्रम है और साथ में ही रविदास जी महाराज का आश्रम है। देखो धार्मिक जगह के साथ साथ ये नशा बिक रहा है, ये बड़ी ही शर्म की बात है। हम 2 साल पहले वीरभद्र जी को मिले थे, उन्होंने पूरा रिस्पॉन्स दिया था और उस टाइम ये नशे को ख़त्म कर दिया था उन्होंने, और अब ये फिर शुरू हो गया है। मैं चाहता हूँ इनको पकड़ो और पकड़ कर इनको ऐसी सजा दो कि ये लोग दोबारा बाहर आकर ये नशा ना बेचें। हमें विश्वास है कि एसपी साहब अच्छा काम करेंगे और नशे को ख़त्म करेंगे।